हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं बीएस मीना, सीनियर लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे स्लिप ऑफ बेल्ट यानी पट्टे में सरपट। तो सबसे पहले समझेंगे कि स्लिप बेल्ट होती क्या है। जैसे आप ये देख रहे हो डायग्राम, हमने पिछले उसमें पढ़ा था। तो इसमें दो पुलिया हैं, इसको चालक पुली मान लेते हैं, इसको चालक पुली मान लेते हैं, और इन दोनों को एक बेल्ट से कनेक्ट कर देते हैं। इनको एक बेल्ट से कनेक्ट इसलिए करते हैं जिससे कि जो चालक पुली है, इससे जब चलती है तो इसकी पावर बेल्ट की सहायता से दूसरी चालक पुली है उसमें ट्रांसमिट हो जाए, यानी पावर जो शक्ति पारित हो जाए। अब मान लीजिए, अगर मान लो ये चालक पुली है, बी चालक पुली है, तो इनको बेल्ट से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से जो पावर है वो ट्रांसमिट हो जाएगी, तो उसकी सहायता से पुली बीच रोटेट करेगी। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, जो चालक पुली की जो डायरेक्शन है, क्यों घूमेगी, तो चालक पुली की दिशा और चालक पुली की दिशा एक ही होगी। जिस दिशा में चालक पुली घूमेगी उसी दिशा में चालक पुली घूमेगी। अब इन पुलियों को घूमने के लिए पुली और बेल्ट, यहाँ पर ये पुली है चालक पुली और ये बेल्ट है, तो पुली और बेल्ट के बीच फ्रिक्शनल ग्रिप होनी चाहिए तभी ये घूम पाएंगी, ताकि इनका पूरा मोशन मिल सके और पूरा मोशन यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट हो सके। अगर इनमें फ्रिक्शन ग्रिप प्रॉपर नहीं होगा तो ये पूर्ण रूप से मोशन नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो है बेल्ट के सरफेस और पुली के सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल ग्रिप होना जरूरी है। तो स्लिप कब होता है, जब ये पुली है और ये बेल्ट है, इनके बीच में जो फ्रिक्शन ग्रिप है वो इनसफिशियंट हो जाए, यानी पर्याप्त न हो, तो ये पुलियों में आपस में सरपण होने लग जाएगा और ये प्रॉपर तरीके से नहीं घूमेंगी। इसको बोलते हैं स्लिपिंग, यानी स्लिपिंग के कारण। तो इसमें अब यहाँ चालक पुली के संदर्भ में अपन बात करते हैं, तो चालक पुली घूमेगी तो इसमें जो पट्टा है, अगर फ्रिक्शनल ग्रिप अगर प्रॉपर नहीं होगी, इनसफिशियंट होगी यानी पर्याप्त नहीं होगी, तो ये पुली तेजी से पहले घूमेगी और पट्टा बाद में घूमेगा। अगर चालक पुली के संदर्भ में अपन देखें तो यहाँ पर जो इनके बीच में इनसफिशियंट फ्रिक्शनल ग्रिप होगी, तो बेल्ट है वो तेजी से आगे घूमेगी और चालक पुली बाद में घूमेगी, यानी इन दोनों के बीच में कांटेक्ट में अंतर आएगा। तो ये पहले पहले घूम जाएगी बेल्ट और चालक पुली बाद में घूमेगी। तो इस प्रकार हम जो देखते हैं, जो चालक पुली का जो मूव मूव है, चालक पुली का जो मूव कर जाना हाई स्पीड के साथ इसका मूव कर जाना और बेल्ट के साथ इसका अच्छा कॉन्टेक्ट नहीं होता, इसी तरह यहां से बेल्ट का हाई स्पीड के साथ मूव कर जाना और चालक पुली के साथ कॉन्टैक्ट नहीं होना। अब हम स्लिप ऑफ बेल्ट को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, जब पट्टे की पुली के बीच घर्षण कम होता है या पट्टे के प्रारंभिक तनाव उचित नहीं होता, तो पट्टे और पुली के बीच असमान गति हो जाती है, इसे स्लिप कहते हैं। या फिर इसको दूसरी तरह से इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि पुली के पर्दे वेग तथा पट्टे के रेखीय वेग के बीच में जो अंतर है उसको स्लिप कहते हैं, और स्लिप को हमेशा परसेंटेज ऑफ स्लिप यानी प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। यदि पुली चालक पुली है तो पट्टे की चाल कम होगी, और यदि चालित पुली है तो पट्टे की चाल अधिक होगी। तो ये आवश्यक नहीं है कि दोनों पुलियों के बीच में सरपण बराबर हो, ये उनके सरफेस पर निर्भर करता है। अब अपन समझेंगे वेग अनुपात निकालने के लिए। तो जैसा आप देखें, यदि माना जाए S1 चालक पुली व पट्टे के बीच परसेंटेज ऑफ स्लिप यानी S1 परसेंटेज, तो चालक पुली और पट्टे के बीच से कि यहाँ पर जो है चालक पुली पहले घूमती है, पट्टा बाद में घूमता है। S2 माने पट्टे व चालक पुली के बीच परसेंटेज ऑफ स्लिप यानी S2 परसेंटेज, तो यहाँ पर बेल्ट बेल्ट प्लस पुली यानी बेल्ट पहले से दिया कि बेल्ट पहले घूमेगी और जो पुली है वो बाद में घूमेगी, इसलिए। और V बराबर चालक पुली पर पट्टे का वेग पर मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर जो चालक पुली का जो पर्दे वेग होगा, मान लीजिए इनके जो डायमीटर है, चालक पुली का डायमीटर D1 और चालक पुली का डायमीटर D2, इस तरह चालक पुली का जो RPM है वो N1 और चालक पुली का N2 हो, तो चालक पुली का पर्दे वेग होगा पाई D1N1। इसलिए चालक पुली पर जो बेल्ट का जो रेखीय वेग वो क्या हो जाएगा, इसका जो पर्दे वेग है, चालक पुली का पर्दे वेग माइनस उसमें जितना पर्दे वेग में जितना परसेंटेज ऑफ स्लिप हुआ है,
वो माइनस हो जाएगा, उनका जो डिफरेंस है तो उस चालक पुली पर बेल्ट का रेखीवेग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई डी वन एन वन माइनस पाई डी वन एन वन इंटू एस वन अपॉन 100। अतः v बराबर हो जाएगा पाई डी वन एन वन माइनस पाई डी वन एन वन इंटू एस वन अपॉन 100। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, v बराबर पाई डी वन एन वन कॉमन ले लिया, 1 माइनस एस वन अपॉन 100, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। इसी प्रकार जो टोटल वेग है वो चालक पुली पर v बराबर होगा पाई टी टू एन टू प्लस पाई डी टू एन टू एस टू अपॉन 100। तो यहां पर आप देखोगे कि बेल्ट तेजी से घूमता है, तो यहां पर इसका वेग जो ज्यादा होगा तो इसलिए इसको प्लस कर दिया है। तो बी बराबर इसको इस प्रकार लिख सकते हैं पाई डी टू एन टू इंटू वन प्लस एस टू अपॉन, और आगे इसको इस प्रकार भी कर देंगे पाई डी टू एन टू बराबर वी अपॉन वन प्लस एस टू अपॉन 100, और इसको इस तरह लिख सकते हैं पाई डी टू एन टू बराबर वी इंटू वन माइनस एस टू अपॉन 100। तो चालित पुली का जो पर्दे वेग है पाई डी टू एन टू वो बराबर हो जाएगा वी इंटू वन माइनस एस टू अपॉन 100। इसको अपन समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो अब समीकरण नंबर 2 में जो वी का मान है, जो समीकरण नंबर 1 से रखने पर, समीकरण नंबर 1 में जो वी का मान था तो वो यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा पाई डी टू एन टू बराबर पाई डी वन एन वन इंटू वन माइनस एस वन अपन 100 इंटू वन माइनस एस टू अपन 100। तो यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो वेग अनुपात के उसमें एन टू अपॉन एन वन बराबर डी वन अपॉन डी टू, वन माइनस एस वन अपॉन 100 इंटू वन माइनस एस टू अपॉन 100। इसको आगे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एन टू अपॉन एन वन बराबर डी वन अपॉन डी टू इंटू वन माइनस एस वन अपॉन 100 माइनस एस टू अपॉन 100 प्लस एस वन इंटू एस टू अपॉन 100 इंटू 100। तो यहाँ पर अभी ये टर्म्स जो देख रहे हैं अपन, तो इसका मान का बहुत ही कम होता है, इसलिए इसको अपन नेगलेक्ट कर देते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो इसको नेगलेक्ट कर दिया, तो इसको इस पर लिख सकते हैं एन टू अपॉन एन वन बराबर डी वन अपॉन डी टू इंटू वन माइनस एस वन अपॉन 100 माइनस एस टू अपॉन 100। आगे और सिंप्लीफाई करके इसको एलसीएम दे देते हैं यहाँ पर, तो ये इस तरह आ जाएगा एन टू अपॉन एन वन बराबर डी वन अपॉन डी टू इंटू वन माइनस एस वन प्लस एस टू अपॉन 100। अब यहाँ पर अपन टोटल परसेंटेज ऑफ, क्योंकि एस वन चालक पुली उसमें परसेंटेज ऑफ स्लिप है, एस टू चालक पुली के और पट्टे और उसके बीच परसेंटेज ऑफ स्लिप है, तो अपन मान लेते हैं एस बराबर एस वन प्लस एस टू यानी टोटल परसेंटेज ऑफ स्लिप। तो ये इस तरह आ जाएगा फॉर्मूला एन टू अपॉन एन वन बराबर डी वन अपॉन डी टू इंटू वन माइनस एस अपॉन 100। अगर अपन इसमें पट्टे की थिकनेस काउंट करते हैं, मान लो पट्टे की थिकनेस टी हो, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं एन टू अपॉन एन वन बराबर डी वन प्लस टी अपॉन डी टू प्लस टी इंटू वन माइनस एस अपॉन 100। तो ये वेग अनुपात का फॉर्मूला प्राप्त।